नमस्कार, आज हम बात करेंगे लाल किताब में कौन सा ग्रह कब नेक होता है और कौन सा ग्रह कब मंदा होता है। लाल किताब में एक चीज़ बहुत बार आपने देखी होगी, लिखा जाता है कि नेक और मंदा, कि गुरु खाना नंबर एक में है तो वो नेक असर का है तो नेक फल का कुछ बातें लिखी जाएगी, मंदे असर का है तो मंदी कुछ बातें लिखी जाएगी। अब कुंडली में कैसे जाने कि हमारा बृहस्पति, हमारा सूर्य, हमारा अन्य कोई ग्रह नेक फल का है या मंदे फल का है, तो ये जानने के लिए लाल किताब में कुछ नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बृहस्पति देव के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति देव हमारे कब अच्छे होते हैं और कब बुरे होते हैं, हमें कब नेक असर देंगे और वो हमें कब मंदा असर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव के बारे में। तो जो हमारे बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, वो नेक असर देते हैं जब एक से छठे भाव में बृहस्पति देव होंगे और सात से बारहवें भाव के बीच केतु देव होंगे। इस समय बृहस्पति देव जो हैं वो हमें नेक असर देंगे, और जब भी एक से छह में केतु देव होंगे और सात से बारह में बृहस्पति देव खुद होंगे तब हमें बृहस्पति देव मंदा असर देंगे। अब एक कंडीशन हो गई, ये नेक की कंडीशन हो गई, ये मंदे की कंडीशन। अब ये एक कंडीशन है बृहस्पति नेक और बृहस्पति मंदेव, एक से छठे घर के बीच अगर गुरुदेव होते हैं तो गुरुदेव हमें नेक असर देंगे, और अगर सात से बारहवें घर के बीच गुरुदेव होंगे तो गुरुदेव हमें मंदा असर देंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है 2, 5, 9, 12 में अगर शुक्र केतु शुक्र बुध और राहु आ जाते हैं तो हमारे बृहस्पति देव जो हैं वो हमें, अगर ये कंडीशन होती है तो हमें बृहस्पति देव जो हैं वो मंदा असर देते हैं। ये 2, 5, 9, 12 बृहस्पति देव की जड़ भी कहलाई जाती है। अगर ये स्थिति है बृहस्पति देव खराब होंगे, ये स्थिति है नेक होंगे, ये स्थिति है अगेन मंदे रिजल्ट के होंगे। अब एक चीज और है बृहस्पति देव के साथ ही जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होता है कि क्या हमारी कुंडली में सूर्य प्लस राहु की युति तो नहीं, सूर्य चंद्र प्लस केतु की युति तो नहीं। अगर ये युति होती है तो भी हमें बृहस्पति देव जो है वो मंदा असर देंगे। ये कंडीशन मंदे की है, ये कंडीशन मंदे की है, ये कंडीशन मंदे की है, नेक की कंडीशन होगी सिर्फ और सिर्फ ये। ये बृहस्पति देव से रिगार्डिंग बात की। अब हम बात करते हैं चंद्र देव से रिगार्डिंग। हम चंद्र देव बृहस्पति देव से भी समझेंगे, चंद्र देव के अपने टर्म्स हैं बट चंद्र देव के साथ बृहस्पति देव को समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो बृहस्पति देव के कुछ टर्म्स हैं जो कि है कि एक से छः में अगर हमारे बृहस्पति देव होते हैं, सात से बारह में अगर हमारे केतु देव होते हैं तो हमें बृहस्पति देव जो हैं वो नेक असर देंगे। अब चंद्र देव की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। चंद्र देव जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक से छह में केतु होते हैं और सात से बारह में गुरु होते हैं तो चंद्र देव नेक रिजल्ट देंगे, और अगर सात से बारह में अगर एक से छः में
केतु देव होते हैं और 7 से 12 में गुरुदेव होते हैं, तो बृहस्पति देव हमें मंदा रिजल्ट देंगे। और यहीं चंद्रदेव ये कहते हैं कि अगर 1 से 6 में बृहस्पति देव होते हैं और 7 से 12 में केतु देव होते हैं, तो आपको मैं हमेशा मंदा असर दूंगा। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। अब ये तो एक ऐसी उलझन है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है कि अगर बृहस्पति देव नेक होते हैं तो चंद्र देव मंदे होंगे, अगर चंद्र देव नेक होते हैं तो बृहस्पति देव मंदे होंगे। बिल्कुल वाइस वर्सा है बृहस्पति देव और चंद्र देव। ऐसा क्यों है? एक तो कारण है जो मैं स्टोरी में हमेशा बोलता हूं कि जो हमारा एक सीरीज शुरू है पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वो है कि क्यों चंद्र देव बने नर से नारी, और उसमें बुध देव का भी जिक्र किया गया है, चंद्र देव बृहस्पति देव का भी जिक्र किया है। वो स्टोरी मैं नहीं सुनाने वाला, वो आपको अगर सुननी है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। अब आपको इतना समझना है कि हमारे बृहस्पति देव धर्म के पक्के हैं और वो चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो बृहस्पति देव हमें ये कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी तो पैसे की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, पैसे का त्याग कर दो। बृहस्पति देव ये कहते हैं, इसलिए बृहस्पति देव आपको पैसे कभी नहीं देने वाले। बृहस्पति देव आपको शरीफ बनाते हैं, बृहस्पति देव आपको दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, ये बृहस्पति देव का काम है। वो आपको पैसे नहीं कमा के देंगे बृहस्पति देव, इसलिए बृहस्पति देव को हम 7th हाउस में, जहां वो काम बिजनेस के लिए बोलते हैं, वहां बृहस्पति देव अच्छे नहीं होते। 10th हाउस जहां हम काम बोलते हैं, वहां बृहस्पति देव हमारे अच्छे नहीं होते। 11th हाउस जो हमारी आय की जगह है, वहां के लिए भी बृहस्पति देव अच्छे नहीं होते। इसलिए जो स्थान हमारे हैं अष्टम भाव में भी ऐसे बृहस्पति देव अच्छे नहीं होते। ये चीजें हैं कि बृहस्पति देव वो चीजें आपको नहीं दे सकते, सिंपल सा अर्थ ये है। चंद्र देव अब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नेक असर दूंगा, लेकिन तुम भोले मत बनो, चलाक बनो, दूसरों से अपना काम निकलवाना सीखो, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पैसे कमाने हैं तो सेविंग्स करनी भी आनी चाहिए, दान पुण्य कर पैसे सेव नहीं होते। यहाँ एक फिलॉसफी आती है जो कि कहते हैं ना कि दान करो तो तुम्हें 4 गुना मिलेगा, वो फिलॉसफी यहाँ नहीं चलेगी। वो यहाँ इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि चंद्र देव ये बोल रहे हैं कि अगर गुरु का साथ लोगे तो मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ, और गुरु बोलता है अगर चंद्र का साथ लोगे तो मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ। ये चीज़ लाल किताब में बहुत पाई गई है और यही सेम चीज़ हमारी जन्म कुंडली में आजकल, पहले जमाने की मैं बात नहीं कर सकता, आजकल ये चीज़ कॉमनली पाई जाती है। जिन भी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है उनका चंद्र हमेशा खराब होता है, और जिन भी लोगों का चंद्र खराब होता है उनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ जिनका ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे नहीं हो रही है ये मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं केतु देव सेकंड हाउस, केतु देव हमारे फर्स्ट हाउस में, एंड सेकंड हाउस में आप ले लीजिए, सेकंड हाउस में हमारे आ जाते हैं गुरु। फर्स्ट हाउस में कौन है? केतु देव हैं, सेकंड हाउस में गुरु आ जाते। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन हमें ये कहती है कि इस कंडीशन में जुपिटर जो होगा वो भी नेक होगा और चंद्र जो होगा वो भी हमें नेक असर देगा।
ये कंडीशंस अगर आ जाती है, मतलब गुरु भी नेक और चंद्र भी नेक, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। बट जब आपको ये कंडीशन मिले कि जिसमें गुरु भी नेक हो और चंद्र भी नेक हो, तब वो व्यक्ति दान पुण्य करेगा, उसका पैसा भी आ जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा तो भी पैसा आ जाएगा। मतलब उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो बाकी लोगों के लिए, जब चंद्र और बृहस्पति की ये इस कंडीशन में जब भी होंगे तब वो प्रॉब्लम्स इस कंडीशन में हमें नहीं मिलेगी। मतलब तब नहीं बोलेंगे हम कि आप भगवान दान पुण्य ज़्यादा मत करें, ये मत करें कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तब ये कंडीशंस नहीं होंगी। आगे हम बात करते हैं, चंद्रदेव की कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक नियम तो ये हो गया जो हमने लिखा है साइड में, अब एक नियम और है जो कि है चंद्रदेव की जड़। चंद्रदेव की जो जड़ है वो है हमारा फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में शुक्रदेव आ जाते हैं, केतु देव आ जाते हैं, शुक्र या केतु आ जाते हैं, तो चंद्र हमें बैड रिजल्ट ही देने वाले हैं, चंद्र हमें बैड रिजल्ट ही देने वाले हैं। चंद्र अगर आगे के घर में है, बुध अगर पीछे के घरों में, इस समय चंद्रदेव हमें नेक असर देंगे। फोर्थ हाउस एम्प्टी है, नेक चंद्रदेव हमें नेक रिजल्ट देंगे। ये कंडीशंस हो गई चंद्रदेव अच्छे और खराब होने की। एक और कंडीशन है, चंद्रदेव प्लस केतुदेव अगर हो जाता है कुंडली में, चंद्रदेव प्लस केतुदेव हो जाता है, ये कंडीशन में हम बोलते हैं कि चंद्रदेव हमें मंदा रिजल्ट देंगे और चंद्र ग्रहण होगा। अब ये चंद्र और बृहस्पति देव की हमने स्थिति साथ साथ इसलिए लिख दी क्योंकि इनमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जिसलिए इनको साथ ही समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम सूर्यदेव के बारे में समझते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में। तो सूर्यदेव का जो जड़ है वो है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में अगर शनिदेव आ जाते हैं, शुक्रदेव आ जाते हैं, राहु देव आ जाते हैं, या फिर फर्स्ट हाउस में राहु देव आ जाते हैं, ये हमारे सूर्यदेव को मंदा कर देंगे और इस कंडीशन में भी हमें हमारे सूर्यदेव को मंदा कर देंगे। सूर्य प्लस राहु होगा अगर, तो भी हमारा जो सूर्यदेव है वो हमें मंदा असर देगा। ये तीन कंडीशंस हमारे मंदे की हो गई। अब सूर्यदेव नेक की कंडीशन सुन लेते हैं। अगर फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में केतु देव आ जाते हैं, सूर्यदेव का असर जो होगा वो नेक हो जाएगा। फर्स्ट हाउस फिफ्थ हाउस में केतु देव आ जाते हैं, सूर्य का असर नेक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर सूर्यदेव प्लस केतु देव हो जाए तो भी हमारे जो सूर्यदेव का रिजल्ट है वो नेक हो जाएगा। ये दो कंडीशंस नेक है, बाकी सारी कंडीशंस हमारे मंदे की कंडीशंस हैं। अब हम मंगल देव के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंगल देव जो हैं, मंगल देव फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस मंगल देव की जड़ है। तो बुध देव अगर फर्स्ट हाउस में या एट्थ हाउस में आ जाते हैं, राहु देव अगर फर्स्ट हाउस या एट्थ हाउस में आ जाते हैं, दो कंडीशंस। केतु देव भी ऐसे तो मंगल देव के दुश्मन है, लेकिन फर्स्ट हाउस में वो सूर्य देव को अच्छा कर देते हैं, इसलिए उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक न्यूट्रल स्टेट में ला सकते हैं। एट्थ हाउस केतु में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एट्थ हाउस केतु, तो ये कंडीशन हो गई मंगल देव के मंदे होने की, मंदा मंगल। मंगल प्लस राहु, मंगल प्लस केतु मंदा।
अब एक चीज और है, वो है कि मंगल प्लस सूर्य नेक, मंगल सूर्य प्लस बुध नेक, सूर्य प्लस शनि मंदा। ये हो गई मंगल के लिए कुछ स्थितियां। अब हम बात करते हैं मंगल के बाद हमारे बुध देव और शुक्र देव के बारे में। तो बुध देव और शुक्र देव, बुध देव और शुक्र देव की पहली कंडीशन ये है नेक होने की, अगर बुध पीछे के घर में है, शुक्र देव आगे के घर में, तो ये कंडीशन होती है नेक की। अगर शुक्र देव पीछे के घर में है और बुध देव आगे के घर में है, ये कंडीशन होती है मंदे की। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस में अगर मून आ जाता है, चंद्र देव आ जाते हैं, मंदा बुध, सेवेंथ हाउस में अगर सूर्य गुरु आ जाते हैं, मंगल भी ले लेते हैं, मंगल आ जाता है, तो हमारा इन कंडीशन में हमारा मंदा शुक्र होगा, उसमें मंदा बुध, इसमें मंदा शुक्र, और अच्छे होने की कंडीशंस ये है। अच्छे होने की एक और कंडीशन है, वो है बुध प्लस शुक्र नेक, बुध भी शुक्र भी प्लस सूर्य भी नेक, सूर्य भी हमें नेक असर देगा। यह हमारी बुध शुक्र के लिए कंबाइंड कैटेगरी हो गई। अब हम बात करते हैं, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, चंद्र हो गया, गुरु हो गया, बुध शुक्र हो गए, अब हम बात कर लेते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव की कंडीशन है, एक से छः में केतु, सात से बारह में राहु। शनि देव जो होते हैं वो हमारे नेक होते हैं। एक से छः में राहु, सात से बारह में केतु, शनि मंदा। शनिदेव नेक, शनिदेव मंदे। टेंथ इलेवेंथ में सूर्य सूर्य गुरु चंद्र आ जाते हैं, सूर्य गुरु चंद्र आ जाते हैं, तो शनि देव जो हैं वो हमें मंदा असर देंगे। सूर्य गुरु और चंद्र अगर टेंथ में आ जाते हैं तो शनि देव हमें मंदा असर देंगे। अच्छे की कंडीशंस ये हैं। अब शनि अच्छे की एक और कंडीशन है, वो है कि जब भी जन्म कुंडली में गुरु प्लस शुक्र हो, अच्छे कब होंगे, जब भी गुरु प्लस शुक्र होगा, इसको हम बोलते हैं केतु स्वभाव शनि, और शनि होगा इस समय नेक। जब भी मैं ऊपर लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, उसको निग्लेक्ट करें। तो ये हमारे शनि देव के लिए कैटेगरी हो गई। अब शनि मंदे के लिए भी एक कैटेगरी है,
वो हम बोलते हैं कि शनि मंदा जब होगा वो होगा मंगल देव प्लस बुध देव जब भी होंगे तब हमारे शनि देव जो हैं वो हमें मंदा असर देंगे। अब हम बात करते हैं राहु देव के बारे में और केतु देव के बारे में। राहु और केतु, राहु अच्छे कब होंगे? राहु अच्छे तब होंगे जब भी बुध प्लस शुक्र नेक होंगे, तो राहु देव हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। जब बुध मंदा होगा, शुक्र भी मंदा होगा, इसका तात्पर्य ये होता है शुक्र मंदा तो हो बट बुध के साथ ना हो, बुध का साथ ना हो, बुध का साथ ना हो और शुक्र मंदा हो, बुध मंदा हो तो केतु देव भी हमारे जो होंगे वो हमें हमेशा मंदा सॉरी केतु देव जो होंगे वो हमेशा हमें नेक असर देंगे। इस कंडीशन में केतु देव हमें नेक रिजल्ट देंगे, इस कंडीशन में राहु देव, और इनका वाइस वर्सा जो होगा मतलब अगर ये मंदे हो जाएंगे राहु देव मंदे हो जाएंगे, ये नेक हो जाएंगे तो हमारे केतु देव खराब हो जाएंगे। सिंपल सी जो चीज़ है वो ये है। अब इसमें एक चीज़ जो हमेशा बोलते हैं हम, बुध देव मंदे हों शुक्र देव मंदे हों बुध देव का साथ ना हो, ये ज़रूरी मेन पॉइंट ये है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राहु देव की जड़ क्या है। राहु देव की जड़ जो है वो है हमारा ट्वेल्थ हाउस। अगर ट्वेल्थ हाउस में सूर्य मंगल आ जाते हैं तो हमें राहु देव जो हैं वो मंदा असर देंगे। केतु देव की जड़ क्या है? सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में अगर चंद्र देव आ जाते हैं तो केतु देव जो है हमें मंदा असर देंगे। सिंपल सी चीज़ ये है। अब राहु देव का नेक असर एक और है, मंगल प्लस शनि राहु नेक, सूर्य प्लस शनि मंदा। ऐसे ही हम चंद्र पर आ जाते हैं केतु पर आ जाते हैं, तो केतु अच्छा कब होगा? शनि प्लस शुक्र नेक, शनि प्लस चंद्र मंदा, और ये मंदा विषयोग भी होता है, ये जो मंदा होता है ये विषयोग भी होता है। तो ये हमारे ऑल नाइन प्लैनेट्स नेक और बद रिजल्ट था। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लाएंगे। ये चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं।